नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाएंगे बन कॉलर कुर्ती जो बैक साइड में ओपन होती है, इसे टर्टल नेक या पोलो कॉलर नेक कुर्ती भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें नॉर्मल कुर्ती का कटिंग करके लेना है सबसे पहले, तो इसीलिए एक दूसरे के ऊपर मैंने ये दो पीस रख दिए हैं। इसकी लंबाई मैंने 48 इंच रखी है और इसे मैंने फोल्ड करके ले लिया, और इसकी चौड़ाई आप अपने कुर्ती के हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नाप डालेंगे आर्म होल की लंबाई का। तो बैक आर्म होल है मेरा 1.25 इंच, जो कि मैं नॉर्मल कुर्ती में उतना ही रखती हूँ। उसके बाद कमर की लंबाई 15 इंच, हिप की लंबाई 22 इंच। उसके बाद हम नाप डालते हैं टक्स पॉइंट का, जो कि है 10.5 इंच पर। तो ये सारे नाप हमारे नॉर्मल कुर्ती के ही है। नॉर्मल कुर्ती का कटिंग किस तरह से करना है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जरूर चेक कीजिएगा। अब मैंने डाला है 7.5 इंच पर शोल्डर का नाप। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच नीचे लेंगे, क्योंकि मैंने कुर्ती कटिंग के वीडियो में भी बताया था कि जो फ्रंट आर्म होल है वो हम 1/2 इंच कम लेते हैं, इसलिए 1/2 इंच की दूरी पर ये लाइन ड्रॉ की है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का नाप डालेंगे। चेस्ट का साइज जितना भी है उसका चौथा भाग करके 1/2 इंच लूजिंग डाल दीजिएगा। फुल बस्ट जितना भी है उसका चौथा भाग करके बस मार्क कर दीजिएगा, चाहो तो 1/4 इंच लूजिंग डाल सकते हो। वेस्ट साइज जितना भी है उसका चौथा भाग करके 1/2 या 1/4 इंच लूजिंग डाल दीजिएगा, और जितना भी हिप साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें 1/4 इंच लूजिंग डाल दीजिएगा। पॉइंट्स मैंने शेप अनुसार जोड़ दिए और बाहर के साइड में सिलाई मार्जिन रख दिया है। अब हम गले के ऊपर फोकस करेंगे, तो गले की चौड़ाई चेस्ट साइज के हिसाब से रखनी है। आपका जितना भी चेस्ट साइज है उसे 12 से भाग दीजिएगा। जैसा कि मेरा 36 है, 12 से भाग कर 3 इंच आया, तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पर पीछे की गला लेंगे, पीछे की गले की लंबाई जो कि 1 इंच रखनी है सभी साइज के लिए, और इस तरह से यहाँ पर मैंने मार्क करके गला बना दिया और यहाँ पर मैंने इस तरह से गोलाई में शेप दे दिया। अब हम आगे का जो गला है वो इस लाइन से नापेंगे, तो बराबर से उस लाइन के ऊपर टेप रखकर मैंने नीचे की तरफ नापा है। तो जितनी भी चौड़ाई है उतनी लंबाई रखेंगे। जैसे कि हमारी गले की चौड़ाई 3 इंच है तो लंबाई भी 3 इंच रखी है। अब यहाँ पर आगे के गले का शेप देने के लिए मैंने आमूल कर्व का यूज किया है। अगर आपके पास इस तरह का कर्व नहीं है तो आप बस कोने से 1 इंच और 1 पॉइंट, मतलब 1/4 इंच से थोड़ा सा कम, 1 इंच से ज्यादा, इतना नाप लेके शेप देना है। अब हम यहाँ पर शोल्डर स्लोप 0.75 इंच लेंगे और यहाँ से तिरछे में जोड़ देंगे। इस डिजाइन में हमने शोल्डर पट्टी को कम रखा है, तो जितनी भी शोल्डर पट्टी है उसका आधा करके मैंने मार्क किया है। जरूरी नहीं है कि आपको आधा ही करना है, आप चाहो तो बड़ा कर भी रख सकते हो या फिर कम भी रख सकते हो, या फिर जितनी शोल्डर पट्टी है उतनी भी रख सकते हो। अब इसे मैंने इस तरह से तिरछे में जोड़ दिया और ये पॉइंट जो है यहाँ पर हम 0.25 इंच अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से हमें आमहोल का शेप देना है। इसमें आगे का और पीछे का आमहोल का शेप सेम ही रहेगा, से कम ये 1.5 इंच ऊपर रहेगा। अब जैसे कि ये आगे का और पीछे का आमहोल शेप एक ही है तो हम इसे कट कर देंगे। अब इस ऊपर वाली लाइन से कटिंग करेंगे और जो पीछे का गला है ये वाला, यहां से कटिंग करेंगे। इसके बाद यहां पर जो हमने मार्किंग किया है, इस मार्किंग के बाहर जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो भी कट कर देंगे। अब हिप लाइन तक मैंने कट किया है, उसके नीचे मैं स्ट्रेट रख रही हूं तो कोई जरूरत नहीं कटिंग करने की। अब यहां पर मैं नॉचेस लगा दूंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिप लाइन के नीचे मैं सीधा कपड़ा रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं स्लिट्स बनाऊंगी, तो यहाँ पर कटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरा कटिंग हो जाने के बाद अब हमें आगे का गला, आगे की शोल्डर लाइन भी कटिंग करनी है, तो उसके लिए इसे मैं खोल दूंगी और जो ये बीच का कपड़ा है ये हमारा बैक पैटर्न रहेगा, इसे साइड में रख दूंगी और बस ये फ्रंट पैटर्न को ही मैं फोल्ड करके लूंगी। अब आगे की शोल्डर लाइन और आगे का गला कटेगा, तो आगे का गला 3 इंच लंबा है तो यहां पर मैंने मार्क किया 3 इंच पर, और यहां से तिरछी लाइन बनाएंगे क्योंकि आमहोल की साइड में भी हमें 1/2 इंच नीचे लेना है। तो इस तरह से तिरछी लाइन बना के जो एक्स्ट्रा की 1/2 इंच का कपड़ा है ऊपर का उसे मैंने कट किया इस तरीके से। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है फ्रंट पार्ट का, यानी आगे के पल्ले का, इसे मैं साइड में रखूंगी।
यहाँ पर कोई भी मैचिंग कपड़ा लीजिएगा, मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर लिया है ताकि आपको क्लियर दिखे। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई 7 इंच। अब ऊपर से हम 5.5 या 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हम लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमें दो लाइंस बनाने हैं और दोनों लाइंस के बीच में कम से कम 1/4 इंच का अंतर रहे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरह से गोलाई दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और लेंगे पीछे का पल्ला यानी बैक पैटर्न और उसके सेंटर में इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसको मैं खोल दूंगी, सीधे में रखूंगी, मतलब सीधी साइड ऊपर की तरफ रखूंगी और उसके ऊपर ये कपड़ा रख दूंगी। तो इसे इस तरह से रखना है, एकदम बराबर से सेंटर में रखना है और यहाँ पर पिनअप कर दीजिएगा ताकि सिलाई लगाते समय ये हिले नहीं। अब जैसे हमने लाइंस बनाए हैं उसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हो जैसे हमने शेप निकाला है बिल्कुल उसी शेप का ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद इसके एकदम बीचों बीच हमें कट लगाना है, तो यहां से शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा एकदम बीचों बीच हमें कट लगाना है और ये कट पूरा नीचे तक जाएगा, बस नीचे की सिलाई ना कट हो। तो वीडियो में आप देख सकते हो मैंने पूरा नीचे तक कट लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो पिंस लगाए थे उसे निकाल देंगे। इस पट्टी को हम पलट देंगे, मतलब ये जाएगी अंदर की साइड यानी उल्टी साइड में। तो ये जो हमने गला खुला रखा है ये 5 से 6 इंच हमें पीछे की साइड में ओपन रखना है ताकि ये जो है कॉलर सिलने के बाद ये हमारे सिर से आसानी से अंदर चली जाए। इसके किनारे से मैं अब सिलाई लगा रही हूँ, प्रेस्टिच हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया था ताकि सारे निशान आपको क्लियर नजर आए, आप बिल्कुल मैचिंग कपड़ा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने पीछे का गला यानी ओपन हिस्सा बना दिया। अब इस पट्टी को हम दोनों साइड से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर आयन करके इसे अच्छे से बिठा देंगे इस तरीके से। और नीचे की तरफ से भी हम इसको फोल्ड करेंगे, लेकिन पहले हम दोनों साइड आयन करके लेंगे, उसके बाद नीचे का हिस्सा फोल्ड करके उसे भी आयन करेंगे। अब इसके किनारे से हम तुरपाई कर लेंगे। इसे मैंने रख दिया है सीधी साइड में और इसके ऊपर मैंने लिया है फ्रंट पार्ट, क्योंकि हमें अभी शोल्डर्स जोड़ने हैं। तो इसको अच्छे से रख देना है एक दूसरे के ऊपर और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो बस मैं यहाँ पर शोल्डर की ओर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे, सेम तरीके से दूसरे ओर के शोल्डर्स भी हमें जोड़ के लेने हैं। यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा कर लेनी है। शोल्डर्स हमारे जुड़ चुके हैं, अब मैंने इसको सीधी साइड में लिया है और फिर हम इसे इस तरह से बैक के जो ओपन हिस्सा है उसे पकड़ते हुए एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे। एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आगे का और पीछे का दोनों गले मिलकर पूरी गोलाई नापनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलर के लिए नाप निकालना है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 7.5 इंच, तो हमारे कॉलर का नाप रहेगा 7.5 इंच। अब कॉलर का ड्राफ्टिंग यानी मार्किंग करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और इसे मैंने फोल्ड करके लिया है, इसके ऊपर एक पिन लगा दी है। अब जैसे कि कॉलर का नाप आया था 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। अंदर की तरफ हमें दो मार्क्स करने हैं। पहला मार्क आएगा 2.5 इंच पर, आपका साइज कितना भी क्यों ना हो, पहला मार्क 2.5 इंच पर, दूसरा मार्क 5 इंच पर। अब यहाँ 2.5 इंच का आधा करके एक छोटा सा मार्क कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर 2 इंच ऊपर लेंगे, ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। और यहां से हम 0.75 इंच, मतलब 1 इंच को 2 पॉइंट कम, 0.25 इंच ऊपर मार्क करेंगे। अब यहां पर आप हाथ से यहां पर बस क्वार्टर इंच ऊपर मार्क करना है। कर्व है तो उसे इन पॉइंट्स के ऊपर रखकर शेप दीजिएगा। पहले ये 3 पॉइंट्स पकड़ेंगे और फिर यहां पर हम शेप दे देंगे। आप हाथ से भी दे सकते हो, लेकिन अगर इस तरह का आमूल कर्व है तो ये कर्व जो है, शेप जो है वो अच्छा आएगा। अब हमें ये जो अंदर की तरफ का एक पॉइंट बचा है उसे जोड़ देना है। ये आप हाथ से भी जोड़ सकते हो, बस यहाँ पर खाच नहीं होनी चाहिए, ये एकदम फ्लो में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच, मतलब 1.25 इंच ऊपर मार्क करते जाएंगे। यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई अगर आप 1 इंच ही रखना चाहते हो तो 1 इंच ऊपर ही मार्क कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच लिया है और इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक शेप बनाएंगे जो हमारे कॉलर का बनेगा।
और ये नीचे की साइड गले को जुड़ने वाली है, तो इसे हमें नाप कर लेना है 7.5 इंच तक, क्योंकि हमारे कॉलर का नाप उतना ही आया था। अब यहाँ पर हम कोई भी स्केल लेंगे, क्योंकि स्केल जो है वो 90 डिग्री में रहती है, तो यहाँ पर इस तरह से हम सीधी लाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच बाहर की तरफ ले रही हूँ। ये 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि ये कॉलर पीछे की साइड में खुलती है, तो पीछे की साइड में हम कॉलर में ही हुक्स और आई लगाएंगे, तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जैसा मार्किंग किया था वैसा कटिंग किया। अब ये नीचे का हिस्सा गले को जुड़ेगा, इसलिए इस तरह से एरो बनाया है ताकि हमें समझ में आ जाए। और ये जो कॉलर है ये पीछे की साइड रहेगी, मतलब पीछे की साइड ओपन रहेगी, और यहाँ पर हुक आई लगेंगे, तो ये कुछ इस तरह से राउंड में बैठेगी, काफी सुंदर लगती है। अब मैंने इसको कपड़े के ऊपर रखकर आयरन करके लिया है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और इसे मैंने यहाँ पर पिन लगा दिया। ये मैंने एक दूसरे के ऊपर दो कपड़े रखे हैं, और यहाँ नीचे 1/4 इंच अंतर छोड़ते हुए मैं इसको कट करूंगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस कॉलर के नीचे दो लेयर्स हैं कपड़े के, तो ये आप देख सकते हो। अब जो ऊपर का लेयर है कपड़े का, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसा कॉलर का हमारा शेप है नीचे की साइड में, और इसे आयन करके लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर के किनारे से सिलाई लगानी है ताकि ये दोनों कपड़े एक दूसरे को अटैच हो जाए। तो बस एकदम चिपक के सिलाई लगानी है, बस ध्यान रखना है कि सिलाई फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नहीं जाएगी। तो एकदम किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई लग चुकी है, अब हमें जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है इस और का और ऊपर का, उसे कटिंग करना है। तो साइड से पहले मैं इसको कटिंग करूंगी, 1/4 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है और फिर कटिंग करना है। ऊपर की तरफ भी सिलाई के ऊपर लगभग इतना अंतर हम छोड़ेंगे 1/4 इंच का, और फिर एक्स्ट्रा का कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। अब इस कॉलर को हमें पलट के लेना है कुछ इस तरीके से, तो इसे एकदम बराबर से पलट कर लेंगे, और आप चाहो तो इसे पलटने के बाद आयन कर सकते हो ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, या फिर नाखून से थोड़ा सा प्रेस करोगे तो भी चलेगा, या फिर इस तरह से सिलाई लगाओगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा के ले रही हूँ। सिलाई जो है वो किनारे से लगाएं। सिलाई कॉलर में फिनिशिंग लाएगी। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप आयन करके भी ले सकते हो। सिलाई मेरी लग चुकी है। अब ये कॉलर की उल्टी साइड है और फ्यूजिंग पेपर की जो साइड है वो सीधी रहेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर निशान बना रही हूँ, जो कि ऊपर का कपड़ा जितना फोल्ड है उसी के अनुसार नीचे के कपड़े की ओर मैंने निशान बनाए, क्योंकि हमें उतना ही कपड़ा सिलाई में दबाना है। अब मैं इसको सेंटर में फोल्ड करूंगी और एक सेंटर निशान बना दूंगी। किसी भी कॉलर में सेंटर निशान बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि कॉलर बिल्कुल दोनों साइड में सेम बैठे। सेंटर निशान बना दिया है और कॉलर अब सिलने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर बैक और फ्रंट के दोनों पैटर्न से, तो फ्रंट के पैटर्न में मैंने सेंटर निशान बना के लिया है, और यहाँ पर हम फ्रंट से इसको जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, कॉलर हमें उल्टी साइड से जोड़नी है, मतलब हमारे कुर्ती का जो पैटर्न है वो उल्टे में लिया है और वहां पर कॉलर को रख दिया है। सेंटर निशान को सेंटर निशान बराबर से मिलाते हुए पिन लगा दी, और पहले सेंटर से एक साइड सिलेंगे फिर दूसरी साइड सिलेंगे। सिलाई सेंटर से ही शुरू करेंगे। अब हम आते हैं मशीन के ऊपर और सिलाई को शुरू करेंगे सेंटर से। तो जैसे कि मैंने पिन लगाकर ले ली है वहीं से शुरू करेंगे। पिन को निकाल दिया और सिलाई को शुरू किया है। ये करते समय हमें गला बिल्कुल भी नहीं खींचना है और ना ही कॉलर खींचनी है। शोल्डर की जो सिलाई है वो मैंने आगे की तरफ रख दी है और फिर सिलाई की है। अब सिलाई करते करते हम पीछे की तरफ आ गए हैं, तो जैसे कि हमने कॉलर 1-1 इंच एक्स्ट्रा ली थी, तो ये 1 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा दिखेगी इस तरीके से। अब हम फिर से सेंटर से ही शुरू करेंगे, मतलब आगे की साइड से, और इस तरह से सिलते हुए हम पीछे की साइड जा रहे हैं। यहाँ पर भी शोल्डर की सिलाई मैंने आगे की तरफ रख दी है और उसके ऊपर कॉलर रखकर सिलाई लगाई है।
अब इस और भी हमारी 1 इंच कॉलर बाहर की तरफ आएगी क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिया था 1-1 इंच। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों तरफ 1-1 इंच एक्स्ट्रा है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, तो ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो हमने हुक और आई के लिए रखी थी, ये मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको सीधे मिलूंगी और कॉलर को ऊपर की तरफ अच्छे से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर इसे हम बीच में फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप निशान देख रहे हो कॉलर का, तो इसे मैं यहाँ से फोल्ड करूंगी। अब कोई भी एक साइड है जिसे हमने जितना गला है उसी के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। जैसे कि ये वाली साइड में इस तरह से चिपक के सिलाई लगाऊंगी यहाँ से, क्योंकि ये हुक वाली साइड होगी और जो आई वाली साइड है उसे हम एक्स्ट्रा रखेंगे बाहर की तरफ। तो इसे मैंने अच्छे से फोल्ड करके लिया इस तरीके से, और यहाँ पर जो सिलाई लगेगी वो बस 1/4 इंच कपड़ा छोड़ना है और वहां से सिलाई लगानी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रहेगी, यहाँ पर हमारे आई बनेंगी। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर, तो पहले जहां पर आई बनाने हैं वो वाली पट्टी मैंने ली है और उसे इस तरीके से फोल्ड करके लिया है। अब ऊपर से सिलाई नीचे तक आएगी। जब भी आप कोई भी सिलाई शुरू करते हो तो उसे आगे पीछे करके लॉक कीजिएगा और जहां पर खत्म होती है वहां पर भी सिलाई को लॉक कीजिएगा, इससे हमारे धागे नहीं निकलते। अब ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर जैसे कि हम हुक्स लगा रहे हैं तो इसे हम चिपक के लेंगे, मतलब नेक जो है हमारा, नेक को चिपक के ये सिलाई आएगी इस तरीके से। दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है, अब आगे क्या करना है देखते हैं। तो देखिए यहां पर हमने चिपक के सिलाई लगाई थी जो कि हम हुक्स लगाने वाले हैं, उसका एक्स्ट्रा का हिस्सा मैंने कट किया। ऊपर की तरफ भी एक छोटा सा नॉच लगाया कॉर्नर में, यहां पर भी कॉर्नर में एक नॉच लगाएंगे। अब ये हुक वाला जो हिस्सा है उसे हम पलट देंगे, तो ये कॉलर पलट गई और जैसे कि आप देख सकते हो ये नेक को चिपक के आई है। और ये वाला जो हिस्सा है इसे भी पलट देंगे, लेकिन ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा रहेगा बाहर की तरफ ताकि हम यहाँ पर आई बना सके। आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा है। अब ये इस तरह से ओवरलैप होगी हुक और आई लगने के बाद, और यहाँ पर ये इस तरह से बंद हो जाएगी। तो ये मैं आपको बाद में दिखा ही दूंगी हुक्स और आई लगने के बाद। अब हमें करना क्या है, तो इसे सीधी साइड में ये पलट गई है तो सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर कॉलर को इस तरह से रखते हुए एकदम किनारे से सिलाई लगानी है, और ये सिलाई पूरी गोलाई में लगेगी। सिलाई जो है वो एकदम किनारे से आएगी इस तरीके से, बस सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ दबाना है। तो देखिए यहां से शुरू करेंगे सिलाई ताकि फिनिशिंग आए, क्योंकि कॉलर की ऊपर की किनारे से हमने पहले ही सिलाई लगाई थी तो इसीलिए हमने यहाँ से शुरू किया है। और अब हम नीचे की तरफ से शुरू करेंगे सिलाई को। ये सिलाई लगाते टाइम जो गले का सिलाई मार्जिन है वो कॉलर के अंदर ही रहेगा, इसका ध्यान रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्लोज लिया है ताकि आप अच्छे से देख सको, एकदम किनारे से सिलाई लगेगी। जैसे कि यहाँ पर कॉलर की जो पट्टी है ऊपर की तरफ की वो हमने पहले से ही आयरन करके अंदर की तरफ फोल्ड की थी, तो अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाते समय कोई परेशानी नहीं होती। अब जब हम इस किनारे पे आते हैं तो सुई को अंदर की तरफ ही रखिएगा और फिर घुमा के सिलाई को ऊपर की तरफ लेके जाइएगा। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से कॉलर फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। कॉलर लगने के बाद अब हमें आमहोल का फिनिशिंग करना है, उसके लिए 1.25 इंच चौड़ी और एक पट्टी ली है, मतलब 1.75 इंच, और इसे हम आमूल की तरफ लगा देंगे। ये बायस स्ट्रिप है यानी और एक पट्टी है, जिस तरह से गले में लगाती है सेम तरीके से यहाँ पर भी लगानी है, बस हमें आमूल को खींचना नहीं है लगाते टाइम। पट्टी को मैंने सीधी साइड से सिंगल सिलाई लगा दी है, अब उल्टी साइड में लिया है और इस पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ रखते हुए पट्टी को उसके ऊपर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगी। अब ये जो सिलाई है ये नीचे की तरफ जो पट्टी है आधी उसी के ऊपर आनी चाहिए सिलाई, पट्टी को छोड़कर कुर्ती के कपड़े के ऊपर सिलाई ना जाए इसका ध्यान रखें। सिलाई लगने के बाद अब हम इसको सीधी साइड में लेंगे और सिंपली इस तरीके से पलट देंगे और इसके किनारे से हम सिलाई लगाएंगे।
तो ये बायस स्ट्रिप होने के कारण जैसे हमारे आमूल का शेप है वैसा ये उसी सांचे में ढल जाती है। आप चाहो तो यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर से भी आमूल का फिनिशिंग कर सकते हो, या फिर आप डोरी पाइपिंग लगा सकते हो, या फिर हाथ से भी पाइपिंग बना सकते हो। तो देखिए दोनों साइड के आमूल मैंने बना दिए हैं, अब हम इसका फिटिंग करके लेंगे। फिटिंग के लिए दोनों आमूल को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखकर मिलाना है और हिप लाइन तक इसका फिटिंग करना है। सेम इस साइड में भी मैंने अच्छे से मिलाया है और यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग करते हुए यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी, इसके नीचे स्लिट जोड़ेंगे। मैंने इस कुर्ती की फिटिंग भी करके ली है और साइड स्लिट्स भी बना दिए हैं और इसका लुक आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने हुक्सार आई भी लगा दिए हैं। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये कुर्ती जैसे हमने आधे शोल्डर में बनाई है, शोल्डर का आधा हिस्सा कट किया है और स्लीवलेस रखी है, आप चाहो तो पूरे शोल्डर्स रखकर उसमें स्लीव्स भी अटैच कर सकते हो, या सिर्फ शोल्डर्स रखकर इसे सिंपली स्लीवलेस भी रख सकते हो। तो आप इस कुर्ती को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।